हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हिमाचल में डॉक्टर बाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ने बहुत सारी सीट्स निकाली हैं, तो आप जो है ये फॉर्म फिल कीजिए, बिल्कुल भी चांस मिस ना करें, क्योंकि आपको पता है बहुत कम जगह जो है पोस्ट निकलती हैं और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एलिजिबल हो इन पोस्ट के लिए तो आपको ये ज़रूर फिल करनी चाहिए। तो इस वीडियो में जो है आप पूरी इन्फॉर्मेशन जो है पाएंगे। तो इसमें जो है ये फॉर्म फिल करने की जो डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की, ये है 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और क्लोजिंग डेट है हमारे पास 25 सितंबर। तो इसमें जो है लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 25 तक भरे जाएंगे, उसके बाद जो इनकी वेबसाइट है वो डिसेबल लिंक जो है वहाँ से कर दिया जाएगा। और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऐसे नहीं कि एंड तक का वेट करें, जल्दी भर लें, क्योंकि आपको पता है एंड में जो है इनकी वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो इसमें जो है सबसे पहले एज का बोला हुआ है, एज जो है 18 से 45 साल तक दे रखी है और 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है, चाहे वो एक्स सर्विस मैन ऑफ HP हो, SC ST, जो भी बैकवर्ड एरिया OBC हो उनके लिए। और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्होंने ये बोली है कि आपकी पहले तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको ज़रूर पढ़नी है फॉर्म फिल करने से पहले। उसके बाद अगर ये बोला है कि अगर ऑनलाइन जो आप फॉर्म भर रहे हो अगर वो इनकम्प्लीट होता है तो वो जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जब भी आप ये फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है ध्यान से भरना है, जिसको आप यूज़ कर सको, ताकि क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो इसी आईडी पे आएगा। नेक्स्ट है, इन्होंने बोला हुआ है कि एग्ज़ाम में जो है आपको 30 मिनट पहले पहुँचना है, तो ये तो इंस्ट्रक्शन नॉर्मल है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी सीट्स हैं हमारे पास। तो हम बात करते हैं सीट्स की, तो इसमें है सबसे पहले सीट है कंप्यूटर प्रोग्रामर की सीट है, जिसमें जो है पोस्ट कोड है 2001 और एक सीट है। इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, मतलब आपको 21,500 जो है पर मंथ दिया जाएगा। तो इसमें दे रखी है बेसिक पे क्या है और ग्रेड पे क्या है। नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन की सीट, इसमें 18,500 दिया जाएगा, इसमें भी एक सीट है। नेक्स्ट है पब्लिकेशन असिस्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 18,400 पर मंथ दिया जाएगा, एक सीट है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल में, इसमें जनरल की 2 सीट हैं, SC की एक है और EWS की भी एक है। तो इसमें जो है आपको 18,500 दिया जाएगा। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट GR1 फील्ड, ये है 18,400 दिया जाएगा, इसमें जनरल की 1 सीट है। नेक्स्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA की, ये हैं सीटें टोटल 13 हैं, जनरल 5, SC 3, SC BPL 1, OBC 1, OBC BPL 1, EWS की 2। तो इसमें जो हैं आपको 10,298 रुपये जो हैं दिए जाएंगे। नेक्स्ट है स्टोर कीपर कम क्लर्क की, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 10,185 रुपये दिए जाएंगे और SC की 1 सीट है। नेक्स्ट है फील्ड असिस्टेंट की, 10,185, इसमें टोटल सीट हैं 5, जनरल की 2, SC की 1, OBC की 1, EWS की 1। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी की, इसमें 17,500 दिए जाएंगे और इसमें 5 सीट हैं, जनरल की 2, SC की 1, OBC की 1, EWS की 1। लेबोरेटरी अटेंडेंट 10,185, SC 1, OBC 1, टोटल 2। जूनियर टेक्नीशियन की बात करें, पंप ऑपरेटर 211 है, जनरल की 1, टोटल 1। नेक्स्ट है ड्राइवर, इसमें जो है 10,410 दिए जाएंगे और इसमें टोटल सीट्स हैं 2। नेक्स्ट है ड्राइवर, इसमें जो है डेली वेजेस पे दिए जाएगा, मतलब पर डे आपको 305 रुपये जो हैं दिए जाएंगे। टोटल पोस्ट हैं 2, जनरल की 1 और EWS की भी 1। नेक्स्ट है हमारे पास लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 10,185 दिए जाएंगे, ये हैं जनरल 1, EWS की 1, टोटल 2। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स असिस्टेंट, इसमें 10,185 दिए जाएंगे, जनरल की 1 है। नेक्स्ट है असिस्टेंट लाइनमैन की, जनरल की 1 है, 10,185। केयर टेकर की भी है, एक पोस्ट है, 10,185 दिए जाएंगे।
और मेट्रो फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली, ये भी एक सीट है, इसमें भी 10,185 दिए जाएंगे। अगर हम इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं उनके लिए इन्होंने बोला है रेगुलर कोर्स होने चाहिए फॉलोइंग स्ट्रीम में, मतलब आईटी में होने चाहिए बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमसीए होनी चाहिए, या फिर कोई भी जिसमें आप मास्टर डिग्री हो आईटी से रिलेटेड। अगर हम ड्राफ्टमैन की बात करें तो 10+2 मांगा है और साथ में एटलीस्ट 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है पब्लिकेशन असिस्टेंट की बात करें तो 10+2 मांगी है और 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स मांगा है इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें, डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियर की और रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का सिविल इंजीनियर में। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट में एटलीस्ट 2nd डिवीज़न होनी चाहिए बीएससी में। नेक्स्ट है जूनियर ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी JOA में, तो 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो होनी चाहिए और 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर O&A level डिप्लोमा होना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अगर ये भी नहीं है तो आपका तीसरा ऑप्शन है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंडस्ट्रियल ITI से होने चाहिए, या कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड मिनट इंग्लिश का और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। नेक्स्ट है स्टोर कीपर कम क्लर्क की, 10+2 एग्जामिनेशन होनी चाहिए, 10+2 होने चाहिए और मिनिमम स्पीड ऑफ वर्ड जो है ये होनी चाहिए 30 इंग्लिश में, 25 हिंदी में और वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है फील्ड असिस्टेंट, इसमें जो है 10+2 होनी चाहिए विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जूनियर टेक्नीशियन BSc होनी चाहिए, हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर BSc होनी चाहिए, लेबोरेटरी अटेंडेंट 10+2 विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जूनियर टेक्नीशियन पंप ऑपरेटर 211 पोस्ट कोड, इसमें 10th होने चाहिए और ITIC सर्टिफिकेट होने चाहिए इलेक्ट्रिकल या मोटर मैकेनिक का। नेक्स्ट ड्राइवर मैट्रिक होनी चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए हैवी और लाइट व्हीकल का। नेक्स्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट, 10+2 होने चाहिए 50% मार्क्स में और 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और इसमें जो है टाइपिंग स्पीड 30 पर मिनट इन इंग्लिश और 25 पर मिनट इन हिंदी। स्पोर्ट्स असिस्टेंट का शुड हैव 10+2 होने चाहिए और फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा होने चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। असिस्टेंट लाइनमैन की 10+2 और ITI से सर्टिफिकेट होने चाहिए ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन का। अगर केयर टेकर की बात करें तो 10+2 होने चाहिए और डिप्लोमा होने चाहिए कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन में। नेक्स्ट है मेट्रो फीमेल ओनली, 10+2 या फिर वही डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। तो ये है हमारे पास जो क्वालिफिकेशन थी। अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें फॉर पोस्ट को 201, इसमें जो है 18.5 मार्क्स का आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट होगा और 15 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, मतलब टोटल 100 मार्क्स का आपका जो है ये पेपर होगा। तो इसमें भी सेम है 85 मार्क्स का, सभी में 85 मार्क्स का जो है इन्होंने एग्ज़ाम रखा है और 50 मार्क्स का जो है आपका इवेल्युएशन होगा अगर आपका इंटरव्यू पेपर क्लियर होता है तो करके। तो इन्होंने दे रखे हैं जैसे पोस्ट को 202 से 218 तक दे रखे हैं, जैसे जूनियर टेक्नीशियन हुए, असिस्टेंट लाइन इन हुए, ऑफिस JOA हुए और स्टोर कीपर हुए, क्लर्क हुए, स्टोर कीपर कम क्लर्क। तो इनके लिए इन्होंने दे रखा है कि रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन 85 मार्क्स, टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पे भी होगा, टाइपिंग टेस्ट वो भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये टाइपिंग स्पीड भी आपकी चेक करेंगे। तो सभी में सेम ही दे रखा है इन्होंने, 85 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होगा और 1.5 घंटे का ये पेपर है, 90 मिनट का पेपर होगा आपका। तो इवेल्युएशन इन्होंने 15 मार्क्स की दे रखी है, क्राइटेरिया बता दिया है, इसमें जो है मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके 2.5 मार्क्स लगेंगे, अगर आप बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हो तो 1 मार्क्स, लैंडलेस फैमिली है तो 1 मार्क्स, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क्स, अगर आप हैंडीकैप हैं या डिसेबल हो तो 1 मार्क्स, NSS का 1 मार्क्स, BPL का 2 मार्क्स है,
विडो डाइवोर्सी का 1 मार्क्स है, सिंगल डॉटर 1, और अगर आपके पास 6 महीने की ट्रेनिंग का है कोई सर्टिफिकेट तो 1 मार्क्स, और अगर आप किसी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या सेमी गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं तो 2.5, मतलब ये 15 जो है मार्क्स की वैल्यूएशन होगी। और फॉर्म एग्जामिनेशन फीस जो है ये जनरल कैटेगरी का 800 का है, पोस्ट कोड 201 का, और पोस्ट कोड 202 से 218 तक 500 का है। इकोनॉमिक बिकर सेक्शन SC BPL ST BPL OBC BPL 200 का और दूसरा 125 का, सेम ही उसका है, नेक्स्ट का है शेड्यूल कास्ट। और जो एक्स सर्विस मैन है HP के, उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो मोड ऑफ पेमेंट भी इन्होंने बोला है कि एग्जामिनेशन फीस जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट के थ्रू जो है दे सकते हैं। और एक और बात, जो भी आपको ये आप दोगे, जो फीस दोगे वो रिटर्न नहीं होगी आपको, तो ये बात ध्यान में रखें। और जो भी आप जिस भी सब कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर जो है आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो ये फॉर्म ज़रूर फिल करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड हैव अ गुड डे।